के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित लोगों में कई तरह के नए लक्षण भी नजर आ रहे हैं। अभी तक कोरोना में लोगों को सर्दी, जुकाम, बुखार, सिर दर्द और बदन दर्द की समस्या हो रही थी, लेकिन अब डायरिया, मितली आना और रात में तेज पसीना आने की समस्या भी हो रही है। ओमिक्रॉन के लक्षणों में मांसपेशियों में दर्द, उल्टी आना और त्वचा पर चकत्ते जैसे लक्षण भी नजर आ रहे हैं। ओमिक्रॉन से संक्रमित कुछ मरीजों में ठंड में रात में तेज पसीना आने के लक्षण भी देखे जा रहे हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो इसे हल्के में ना ले। ये लक्षण कोरोना के नए वायरस ओमिक्रॉन के लक्षण हो सकते हैं। इनमें से कोई भी लक्षण दिखने पर आप तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। तीसरी लहर है चिंताजनक। कोरोना वायरस की तीसरी लहर तेजी से फैल रही है। नया ओमिक्रॉन वेरिएंट पुराने वेरिएंट से 5 गुना ज्यादा तेजी से फैल रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब तीसरी लहर का पीक आएगा तो एक दिन में दूसरी लहर के मुकाबले 4 गुना ज्यादा मरीज सामने आ सकते हैं। कोरोना की तीसरी लहर में लक्षण। देश में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। तीसरी लहर में संक्रमित मरीजों में पुराने लक्षणों के अलावा रात में तेज पसीना आना, मांसपेशियों में दर्द, डायरिया, मितली आना, सिर दर्द और नाक बहने की समस्या हो रही है। ऐसे में अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण नजर आ रहा है तो तुरंत अपना टेस्ट जरूर करवाएं। कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।